हेलो नमस्ते नमस्कार शशिकल आदा वड़कम एंड योर विथ नम्रता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली कि आप अपनी नॉर्मल लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक कैसे बना सकते हैं। यूजुअली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अगर जा रहे हैं अपने कॉलेज ऑफिस जा रहे हैं पार्टी में जा रहे हैं, अगर मॉर्निंग में कोई लिपस्टिक लगा के हम निकले तो दोपहर तक उसकी जो लिपस्टिक होती है बहुत डल जाती है, शाम तक तो वो निकल ही जाती है। सो हमें कैरी करना पड़ता है लिपस्टिक और 2 या 4 घंटे के बाद हमें अप्लाई करना पड़ता है कि वो एज इट इज रहे उसके लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसकी वजह से आपको लिपस्टिक कैरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉर्निंग से लेके आपके नाइट तक लिपस्टिक एज इट इज रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लिप पे आप मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करें, अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करें, इससे आपका जो लिप है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, आप चाहें तो फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडेशन और कंसीलर इसलिए अप्लाई किया जाता है गाइस क्योंकि हम इससे अपने लिप की पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। पिगमेंटेशन मतलब कि गाइस जो लिप होता है कि कुछ कुछ लोगों का बहुत काला होता है, कुछ लोगों का थोड़ा लाइट रहता है बट पिगमेंटेड रहता है। तो इससे आप अगर डायरेक्टली लिपस्टिक अप्लाई करते हैं अपने लिप पे तो लिपस्टिक का कलर जो एक्चुअल कलर है वो नहीं आ पाता है, बट अगर फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई करते हैं तो हमारे लिप की पिगमेंटेशन कम हो जाती है और आप कोई भी कलर अप्लाई करेंगे लिपस्टिक का तो वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली दिखाई देता है। और अब मैं यूज़ करूँगी लिप लाइनर और इसके लगाने का सही तरीका मैं आपको बताऊँगी। आपको सबसे पहले डॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपका जो लिप का लाइन होता है उस पर आपको डॉट्स इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं और डॉट्स को क्रिएट करने के बाद सबको कनेक्ट कर दीजिए तो आपका जो लिप का लाइन जो बनेगा वो बहुत ही परफेक्ट बनता है, आपका लिपस्टिक बाहर नहीं आता इसकी वजह से। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लिपस्टिक आप यूज़ कर रहे हैं उसका बिल्कुल भी एकदम मैच होना चाहिए लिप लाइनर, नहीं गाइस। अगर आप लिपस्टिक रेड यूज़ कर रहे हैं तो जो लिप लाइनर का शेड हो वो लाइट शेड, रेड लाइट शेड यूज़ करें। अगर आप पिंक यूज़ कर रहे हैं लिपस्टिक या ब्राउन तो जो लिप लाइनर का शेड होगा वो लाइट ब्राउन लाइट पिंक ऐसे होना चाहिए। और अब उसे अच्छे तरीके से पूरे लिप पे फिल कर दीजिए लिप लाइनर और इसके बाद आप अपना लिपस्टिक अप्लाई करें। ये मैं रेड लिपस्टिक यूज़ करूँ इसलिए मैंने लाइट रेड लिप लाइनर अप्लाई किया पहले, और लिप लाइनर ही है वो जो आपका पूरे दिन स्टे रखता है आपके लिपस्टिक को आपके लिप पे। तो गाइज ये मेथड जो मैंने आपको बताया वो आप एक दिन अप्लाई कीजिए, पूरे दिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ आपको लिपस्टिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिए। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जिसकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है, पूरे दिन तक नहीं रह पाती है। साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मैं मिलूंगी आपको इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।